नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केपी और आप देख रहे हैं मेरा ज्ञान गुरु चैनल। और चलिए आज हम बात करते हैं जो अर्थक्वेक है इसके बारे में। अर्थक्वेक मतलब है भूकंप, जमीन का हिलना और इसके वजह से हमारे संपत्तियों का नष्ट होना। तो ये अर्थक्वेक क्यों होता है इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, हमारे जो पृथ्वी है ये लावा के ऊपर, लावा मतलब है गले हुए, गर्मी की वजह से गले हुए जो रॉक्स है, पत्थर है, उनके ऊपर तैर रहा है। तो जो तैर रहा है जैसे नाव पानी के ऊपर तैरता है, वैसे ही कुछ प्लेट्स यानी के पत्थर के बने हुए बड़े बड़े चंक्स तैर रहे हैं पानी के ऊपर, जैसे तैरते नाव वैसे ही तैर रहे हैं। तो ये जो सारे प्लेट्स है इनको बोला जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स जो तैरते हैं इसके वजह से हमारा पृथ्वी का एक हिस्सा एक से दूसरे ओर जाता है और इसके वजह से क्या होता है, एक एक महादेश एक से दूर या फिर पास जाता है। जब कोई भी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास आ जाता है तो उसको बोला जाता है कॉन्वर्जिंग इफेक्ट, और इस अगर वो दोनों एक दूसरे से दूर जाए तो उनको बोला जाता है डाइवर्जिंग इफेक्ट। ये टेक्टोनिक प्लेट्स के वजह से ही हमारे यहाँ पर जो आज का इंडिया आप देख रहे हैं या फिर हमारा सब कॉन्टिनेंट जो बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल सब कुछ लेके जो हमारा देश है इसको आप देख रहे हैं, तो फिर उस जगह का ये स्वरूप ये तैयार हुआ है इस टेक्टोनिक प्लेट्स के वजह से। पहले हमारे देश में क्या हो क्या था कि हमारा जो ये पूरा एरिया था इसको बोला जाता था गंडवाना लैंड, और दूसरे तरफ का जो एरिया था उसको बोला जाता था पंजिया लैंड। तो दोनों लैंड इकट्ठा आए, एक दूसरे से टकराए और उसके वजह से जो देखिएगा पेज को अगर आप फोल्ड करेंगे तो फिर फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा एक दूसरे को धकेलेंगे तो ऊपर की तरफ उठेगा। तो फिर इसके वजह से जो माउंटेन तैयार हुआ आजकल का, तो ये हिमालयन माउंटेन तैयार हुआ। जो भी हो, फिलहाल हम जो बात कर रहे थे कि भूकंप कैसे आता है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से भी भूकंप आ सकता है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे को धकेलेगा तो कोई भी प्लेट एक दूसरे के नीचे आ जाता है, कोई किसी के ऊपर आ जाता है और उसकी वजह से भूकंप आता है। दूसरा एक कारण साइंटिस्ट लोगों ने बोला है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के अलावा कभी कभी लावा यानी कि अगर किसी जगह पर कोई वोल्कानो इरप्शन होता है, वोल्कानो मतलब है कि जहाँ से आपका लावा निकलता है, राक निकलता है मिट्टी के नीचे से, तो वहाँ पर इसके वजह से क्या होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई भी चैम्बर में, चैम्बर मतलब जिस जगह पर ये होता है, तो उस जगह पर अगर किसी तरह का कोई प्रेशर क्रिएट हो जाए तो उस वजह से कभी कभी भूकंप आ सकता है। और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हमारा जो भूकंप नापने का सिस्टम है वो इतना आज तक अच्छा नहीं हुआ है कि हम इसको चेक करके पहले से बोल सके कि कितने दिन पहले भूकंप आएगा या फिर कितने दिन बाद आएगा। कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ आने के 2-3 सेकंड या फिर कुछ ऐसा ही फ्रैक्शन में हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भूकंप को हम रोक नहीं सकते, इससे हम बांच खुद को बचा सकते हैं। तो बचाने के लिए हम क्या करें, भूकंप से खुद को बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हल्के पतले लकड़ी का घर होने से अच्छा है कि इससे भूकंप में मरने का आशंका कम रहता है। बिल्डिंग्स पुराने जो है उनको छोड़ना चाहिए और नया जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनमें जो सेफ्टी फीचर्स है उनको यूज़ करना चाहिए, उसमें हमको रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आपके घर में छुपने के लिए, रहने के लिए अच्छे से जगह होना चाहिए, जहाँ पर भूकंप आ जाए तो आप कोई भी टेबल के नीचे जा सकते हैं, फायर अलार्म बजा सकते हैं और इसके अलावा पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं, फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकते हैं। हमारा जो NCR न्यू दिल्ली है ये टोटल Zone 2 या 3 में ही आता है, इसके आसपास कभी कभी फॉल्ट लाइन, क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट लाइन है। फॉल्ट लाइन का मतलब है कि दो जगह जहाँ पर, एक जगह जहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स आके मिल गए हैं। तो देखिए ये दिल्ली हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन के जो शिवालिक रेंज है उससे दूर नहीं है, उसके पास ही है, तो इसके वजह से यहाँ पर फॉल्ट लाइन आता है और यहाँ पर भूकंप का तीव्रता देखा जाता है। पाकिस्तान में भी भूकंप आ सकता है, नेपाल में, नॉर्थ ईस्ट में हमारे पूरे जो स्टेट्स है और म्यांमार तक ये पूरा फॉल्ट लाइन है। तो ये पूरे जगह भूकंप के लिए बहुत ही खतरनाक है। भूकंप से अगर बचना हो तो फिर आप लोग सोचेंगे कि हम साउथ इंडिया में जाए, नहीं दोस्तों वहाँ पर भी सेफ्टी नहीं है। क्या करेंगे कि देखिए सुनामी का याद तो होगा आपको, तो सुनामी में क्या हुआ था कि कितने दूर जापान के पास या फिर इंडोनेशिया के पास वहाँ पर भूकंप आया था और उसके वजह से जो पानी का लहर है वो आ गया था और कितने सारे घर सामान इंसान कितने हमारे नुकसान हुआ था। तो दोस्तों
इससे हम बच नहीं सकते, लेकिन इससे बचने के तरीके हमको मालूम होना चाहिए, तो फिर खुद को हम रक्षा कर सकते हैं। भूकंप एक नेचुरल चीज है, उसको रोकने का हमारे पास अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे ज्ञान मिला होगा। थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।